आज 1 महीना पूरा हो गया जी मनाली में शिफ्ट हुए हुए हमारे को। जब मुंबई से निकले थे तो ज़िंदगी अलग चल रही थी, यहाँ पर पहुँचे तो ज़िंदगी बहुत ही अलग चल रही है। मतलब पिछले 6 दिन से ब्लॉग नहीं आए हैं। आई एग्री, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, हमारे को ब्लॉग डालने चाहिए, पर चीज़ें इतनी कुछ हो रही थी, मतलब कुछ बड़ा जो हम बोल रहे हैं बड़ा होने जा रहा है, वो बड़े का शूट चल रहा था 6 दिन से। बैलेंस कर रहे हो तुम लोग, हंस रहे हो और बैलेंस कर रहे हो पीछे, रोलिंग एक्शन। मतलब वो शूट कंप्लीट हुआ है तो अब जाके मतलब पीठ लगाने का टाइम नहीं मिला हमारे को। जब से हम मनाली शिफ्ट हुए हैं तो पहली बार ऐसा था कि ब्लॉग नहीं आए, आई नो आने चाहिए था, और 1 महीने में बहुत कुछ बदल रहा है। मतलब जिस माइंडसेट से निकले थे और यहाँ पर आके चीज़ें जिस तरीके से ब्यूटीफुली मूव कर रही हैं वो हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है। पर हम अपनी कमिटमेंट भी जानते हैं कि जितना हम आपसे बताते रहेंगे तो बहुत अच्छा है, और शूट बहुत ही अच्छा हुआ है। हम बना रहे थे एक सीरीज़, 4 एपिसोड की सीरीज़ है जो आने वाले वक्त में आपको दिख जाएगी, वो बहुत ही प्यारी हो रही है। तो सारी कमिटमेंट उधर लगा रखी थी उस टाइम पर, मोबाइल भी हाथ में नहीं रखा कि मोबाइल रखते थे तो स्टोरी पढ़ते हुए इमोशंस और ये सब चीज़ें वैसे कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो सोचा भी था कि उस टाइम पर ब्लॉग करते रहेंगे पर ऐसा हो नहीं पाया। एक टाइम पर एक जगह की कमिटमेंट दे रखी थी तो वो पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए हुए थे, अब जाके फ्री हुए। तो आई नो थोड़ी सी गलती है, आने वाले टाइम में ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे ब्लॉग आता रहेगा, सुबह 9:06 पे नहीं तो शाम को 5:54 पे ब्लॉग आएगा, ठीक है। एक ब्लॉग बनाया था पहले, वो देख लो आगे क्या हुआ है, कैसी सीरीज़ बनी है, क्या कर रहे थे, कहाँ बिजी थे, वो आपको अगले ब्लॉग में बताते हैं, ठीक है जी। ब्लॉग का एंजॉय करो। अब पर सड़क बन रही है, इस चक्कर में सब ने गाड़ियाँ इधर लगा रखी हैं और हम भी अपनी बाइक लगा के आए थे। और ये 3 दिन से ये देखो ये कांड हो गया हमारे साथ, लाइट टूट गया हमारे, खर्चा हो गया भी रे। सोचा नहीं था ऐसा हो जाए कुछ यार। पहुंचे थे हम तो नीचे सामान लेके आने के लिए, वहाँ कांड हो गया, हिला भी नहीं सकते। डक्ट टेप चाहिए कम से कम, एक बार जोड़ के नीचे तक तो लेके जानी पड़ेगी, ऐसे तो ये सब चीजों पर वो करेगी। मैं सोच रहा हूँ इसका कोई करेक्शन निकाल के नहीं हो सकता कि हाथ में लेने लाइट हो, बस ये मैं देख रहा हूँ वायर अगर ये कहीं से निकलने लायक हो तो। वो अंदर से बाहर कैसे, वही वही मैं देख रहा था, प्रॉब्लम तो वो है लाइट और प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक टूटा है लाइट रहेगी अभी बचाया जा सकता है इसको, और डक्ट टेप चाहिए उसके लिए, नीचे तक लेके जाएगा सर। समझते हैं जी, सुबह की शुरुआत बहुत ही बुरी हुई है तो इसलिए चिंता हूँ सारे आप, बहुत बढ़िया करते हैं जुगाड़ करते हैं, खर्चा हुआ है और क्या कर सकते हैं, सिचुएशन पहाड़ों की सिचुएशन कैसी भी हो सकती है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारी गलती है, हमारे को समझदारी सही जगह पर लगानी चाहिए, कभी कभी अपनी गलती मान लेनी चाहिए। ये जो सीन की गड़बड़ है ना, अब इसके चक्कर में लानी पड़ रही है डक्ट टेप, और आपको दिखाते हैं कि ये ऐसा स्यापा हुआ क्यों पड़ा है, इसकी वजह से सब गाड़ियां इधर पहले ही रुकी पड़ी हैं। देखो दिखाते हैं आपको, यहाँ पर ये सब लकड़ियां तक इधर पड़ी हैं, वो सड़क बन रही है उस चक्कर में आगे का रास्ता बंद है। सोचो ना कल धाम का सामान भी यहाँ तक आ रहा था और हमारे को उठा उठा के लेके जाना पड़ रहा था, पर अभी ये हो गया ना सुबह सुबह, हम देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि पहले सामान ले आए हैं घर का, कुछ सामान लेके आना राशन वाशन टाइप का, उसके बाद आगे का समझते हैं। तो नुकसान हो गया बैठे बैठे, नहीं सही है। दादी चाय पिलाओगे? एक पिला दो, एक बढ़िया, थोड़ा तो मोटी करें, एक ये पीता नहीं ना, सब दोनों नहीं पीते हैं बहन भाई चाय, हम पियेंगे। आप चाय पीते हो? मैं दादी और मैं चाय पीते हैं। आ रही है डक्ट टेप मंगाइए। मेरे को लगता है हर इंसान को ना डक्ट टेप रखनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे को ऐसी ऐसी जगह पर काम आई है, मेरे को लग रहा है नीचे तक तो चली जाएगी। डन है, लेके चलते हैं। देखो देखो जी, देखो क्या जुगाड़ लगाया हमने, अब इसके बाद जंग है, ये जगह से निकालना है। देखो सिचुएशन काफी टफ है, एक गाड़ी निकालने के लिए 10 गाड़ियां निकालनी पड़ती हैं। चलो जी चलो, सोचो ऐसे ढलान चढ़ाई पर बाइक लगी हुई है और उसमें ये गिर जाती है, नुकसान हो जाता है तो अलग, इसलिए इसको सही से पार्क करना ज़रूरी है। पर सही से ही पार्क की थी यार, हमारे को क्या पता था सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाएगी कि खर्चा वहन करना पड़ जाएगा हमारे को। हट जा भाई काके, जब से यहाँ पर बारिश गिरी है बादल वादल फटे हैं ना, तो लोगों का आना बिल्कुल ही बंद हो गया, मतलब
जो नीचे से आ रहे थे, क्योंकि एक तो वैसे भी रास्ते क्लोज हैं पर लोगों को लगता है कि बहुत सारा टाइम लगता है, पर यहाँ पर 6-7 घंटे या एक दिन में हाईएस्ट रास्ते खुल जाते हैं। अब देखो यार, पहाड़ों पर रह रहे हैं तो पहाड़ों वाली लाइफ में ये तो होएगा ही, जब इतना पास बादल नदियाँ हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो होती रहेंगी। इसलिए मेरे को लग रहा है कि जितना न्यूज़ में दिखाया जाता है, डराया जाता है, वो बड़ा स्यापा हो जाता है। थल्ले वाले डर जाते हैं, साड़ी माँ फ़ोन करके पूछूंगी, सब आप लोग फ़ोन करके पूछोगे, मैसेज करोगे कि सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बस वो है कि रब दी मेहर रवे, कभी ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हो रही हो वहाँ पर नहीं होना चाहिए हम, इसीलिए, और कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए। और अभी बहुत ही कुछ हो गया है, 2-4 बारिश हुई है अभी, ज़्यादा भी नहीं। तो जो भी है जी, पहाड़ों की लाइफ यही है। अब ये देख लो, अब इस पर गुस्सा करके क्या कर लेंगे, किसने गेरी क्या किया क्या हुआ कुछ नहीं पता, वहाँ पर तो गला पकड़ लेते हैं सब, इतना ठीक है, खर्चा झेलो। तो अभी का सीन ये है कि हमने प्यार सिंह जी को फ़ोन किया है, प्यार सिंह जी कह रहे मेरे पास शायद पड़ा है क्योंकि इसका डोम टूटा है। अच्छी बात ये है कि लाइट नहीं टूटी, मतलब मोटा खर्चा नहीं हुआ, वो अच्छी बात है। तो डोम प्यार सिंह जी के पास पड़ा है, तो अभी देखते हैं, अगर पड़ा है तो अभी क्या अभी काम हो जाएगा। प्यारे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, गड्डी का नुकसान हो गया, मेरी बंजारन ऐसे अच्छी नहीं लगेगी जी। हमारी गाड़ी का ऑपरेशन शुरू हो गया, सिर्फ डोम टूटा है ना जी, डोम टूटा है, चलो हो जाएगा ना। ये हमारे भाई बंधु देखो, सलीम खान, जेसन पाजी, खन्ना, जट, लक्ष्य, आपा भी, और साड़ी पलक भी हैगी है, वाह क्या गल है। और ये हमारी बंजारन, वाह आपका बनता है हक है, फोटोग्राफर मुंबई से बड़े बड़े फोटोग्राफर आए ना। देखो मैंने वो प्यार सिंह जी को प्रॉमिस कर दिया है कि रोम्बो रोम्बो पे आपका शॉट है, रोम्बो ये मत भूलो, आप डील हुई है हमारी, हाँ डील हुई है, ठीक है, हाँ किसी का भी फायदा हो, मेरा तो फायदा ही फायदा है। मैं जा रहा हूँ रोम्बो रंजन, नुकसान में भी हंसना मुस्कुराना किसी को हम बताते हैं। वेरी गुड वीरे, बढ़िया काम कर रहे हो, बाइक हमारी सही हो रही है, पर हम जा रहे थे मॉल रोड पर, हमारे को पता लगा इधर देखो जी पूरा संडे बाजार लगा हुआ है, हमने सोचा है अब तो हम मनाली वाले हैं, कुछ ना कुछ तो देख ही सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो वाह, कुछ तो है भाई, है तो भाई। ये देखो यार क्या जैकेट है, मतलब फर वर लगे हुए हैं, कलर भी सेक्सी लग रहा है, बस तो थोड़े से हाथ वाथ गंदे हैं, मतलब यहाँ पर मोस्टली क्या है यूज सामान है। ये देखो सेक्सी लग रही है, हार्डकोर विंटर वाली है, ये भी अच्छी है, कितने का, 400 का, ठीक है देखते हैं। फाइनली मनाली में स्ट्रीट शॉपिंग होगी है, कहाँ गया, अरे इधर देख यार, क्या बोलते हो इसके बारे में, मैंने बोल दिया कि सही है, बाकी सब लोग कमेंट कर दो। राशन टाइम, ये हमारे साथ शेफ आ जाते हैं ना तो ये इजी हो जाता है, बहुत सारा सामान हमारे को पता नहीं है क्या क्या लेना, कर सब कुछ ले लेता हूँ, तेरे घर में पड़ा रहेगा, इतनी अच्छी बात है, यही चाहिए, और क्या चाहिए जीवन में, ऐसे दोस्त ही चाहिए हमारे को, और वो दोस्त नहीं चाहिए जो हमारी बाइक गिराते हैं। ग्रीन सीड मिल गया है जी, ये है सनफ्लावर सीड, ठीक है। तूने क्या लिया? मैं तो मसाले लिए सारे। और क्या हाथ में? ये तो टिश्यू पेपर रोल है। ओके डन, करता सामान, बिल बना दो पाजी, ओहो पैसे हमें कटी जाने, ये हमारी होगी जी, देखो बंजारन ठीक, देखो जा वक्त नहीं लगाया, थैंक यू प्यारे, बहुत बढ़िया काम हो गया। ये वाइजर लगवाना है, अभी इसका वाइजर लगवाना है और इसकी सीट चेंज करवानी है, मेरे को टूरिंग सीट चाहिए। चलो जी बंजारन रेडी, हम भी रेडी, सब रेडी हैं जी, सब रेडी, ये अच्छी बात है, नुकसान हुआ पर अगले ही घंटे में उसकी भरपाई हो गई है, अच्छी बात है। ये सामान पड़ा था यहाँ पर इसलिए फटफट हो गया, नहीं तो हमारे को टेंशन हो रही थी लेके कैसे जाएंगे। आज हमने सोचा आज बाइक हम अपने क्षेत्र में लेके चलेंगे, यहाँ पर रिस्क हो सकता है तो अपने क्षेत्र में चलते हैं, देख रहे हैं मतलब कहाँ कहाँ राइड हो रही है। ओके थैंक यू जी,
पहुंचने के बाद ये सीन आपको देखने को मिलता है यार। मतलब सुबह तो यहाँ पर ना पूरे पे बादल थे। अभी टाइम तो ऐसा होता है कि हमारे को व्लॉग करना है, कैमरा उठाना है, उसका दिल ही नहीं करता होता, खुद ही खो जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा होता है कि क्या देख रहे हैं यार। मतलब देखो ना यार, क्या जन्नत में है। उधर देखो, उधर अलग सीन चल रहा है। स्वाद है जी। गड़बड़ें हो रही हैं पर ऐसी नहीं हो रही कि आप फेस नहीं कर पाओ। हम फेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं, फिर सारे जो भी पंगे होते हैं वो भूल जाते हैं। यही है पहाड़ों का आनंद। वकील साहिबा आई हैं हमारे घर। वकील साहिबा को मिल तो लीजिए। वकील साहिबा, फोर्थ एपिसोड इतना अच्छा आ रहा है ना। वेरी गुड, इतना अच्छा। ये खुद का प्रमोशन कर रही है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जो बड़ा आने वाला है। अभी इधर हमारी रीडिंग चल रही है खतरनाक तरीके से। 3 एपिसोड की रीडिंग हो चुकी है। चौथा एपिसोड मैडम लिख आई है और कह रही है कि दिल नहीं कर रहा खत्म होने का। तुम फ्रीज तक पहुंचने से पहले मुकदमा जीत गए बोलोगे कि नहीं यार, नहीं अभी बताओ क्या होगा। हाँ परफेक्ट, मुकदमा जीत गई है। मुकदमा जीत गई है और हमारे घर में एक और एक्टिविटी चलती है, वो भी दिखाते हैं। एक ब्लॉगर के लिए सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है ये, इंटरनेट। मतलब हमारे जो घर में इंटरनेट था वो नीचे था, तो उसकी स्पीड हमारे बेडरूम तक नहीं आ रही थी। अभी का सीन क्या है कि अभी मौसम है नॉर्मल, तो उस वजह से हम बाहर बैठ के थोड़ा लैपटॉप यूज कर लेते हैं। बट बर्फ गिर जाएगी तब की होएगा, कमरे से कोई बाहर निकलेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, कमरे में इंटरनेट को इंटरनेट लग रहा है। नूर बना रहा खाना। सर Yes, कितना टाइम लगेगा सर? 10 मिनट और। वाह जी वाह, मुंबई से शेफ आए हैं, बड़े 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 शेफ आए हैं। मुंबई से शेफ आए हैं हिमाचल में और बन रहा है बिहारी चिकन। वाह, दिस इज इंडिया। इंडिया। वाईफाई लग गया जी। ये आ रही है हमारे इंटरनेट की स्पीड, ये पहाड़ों पर। नाइस। और हमारे को चाहिए होती है अपलोडिंग स्पीड, इम्पोर्टेंटली। अभी देखते हैं अपलोडिंग स्पीड क्या है। इंटरनेट तो लगेगा भैया, इंटरनेट तो लगेगा। ये देखो जी, डाउनलोडिंग अपलोडिंग डन। यही है हमारा करता धरता। देखो कितना प्यार से लगाया, ऐसे तार को ऐसे लाइन में लेके गए हैं। मतलब कोई भी चीज़ में ऐसे खराबी नहीं होनी चाहिए हमारे घर में, इसलिए पूरा ध्यान रखा गया है। सोतक आ गए जी, सोतक। क्या हमने जो सोतक बनाए ना, ये थोड़े से हमने साइज में बड़े बनाए हैं। अभी रख के दिखाएंगे आपको, क्योंकि हमारा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट था। हमने विलेज वाला फील रखा है, मतलब मनाली वाला हिमाचल वाला फील रखा है, पर स्वैग अपना डाला है। रखते हैं फिर समझाते हैं। अभी सीन क्या है कि हमने जो ये सोतक बनाए हैं ना, हमने बनवाए हैं कि लैपटॉप पे काम हो सके, खाना बन सके। पर यहाँ पर हिमाचल में मोस्टली कैसे होते हैं, बैठ के बताना पड़ेगा। वहां पर गद्दे होते हैं छोटे, गद्दे पतले बनवाए जाते हैं और इधर तक का होता है सोतक। पर हमने गद्दे बनवाए हैं 8 इंची के, क्योंकि हमारे को ये था कि रात को अगर ठंड बढ़ी तो ठंड तो गद्दे में घुस जाएगी, अगर कोई बैठा हुआ है तो काम पर जाना गिरे। तो हमने ये बनवाया, ये देखो, समझ गए। फिर पहले हमारे को लग रहा था कि एक काफी है, पर यहाँ पर बनते हैं जोड़े में। अभी तक पैसे नहीं पता क्योंकि प्यार सिंह जी ने बनवाए हैं, तो इसलिए ये वाला सीन है। मोस्टली हमारा घर तैयार हो गया, एक वॉशिंग मशीन ऑर्डर की हुई है, वक्त लगेगा उसको आने में, तो घर हमारा तैयार हो गया है। अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे जी घर, घर कैसा लग रहा है हमारा, ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा इसको सेटलमेंट कर लेते हैं, हम अगले ब्लॉग में मिलते हैं आपको। सोतक आ गए हैं, गद्दे आ गए हैं, सब कुछ हो गया है जी। मोस्ट प्रॉब्ली रब दी मेहर है, पिछले 20 दिन में हमने काफ़ी काम खत्म कर दिया है। हम तो अपना ख्याल रखो, सीधा अपना ख्याल रखा, चंगा रब रखा जी। दसियों जरूर कैसा लग रहा था साढ़े सौ का गद्दे सब। Okay.